भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा फिलहाल क्रिकेट के मैदान से बाहर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वनडे और टी20 सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन टेस्ट सीरीज के आखिरी दो टेस्ट मैचों में उनका खेलना लगभग तय है। ऐसे में टीम इंडिया और रोहित शर्मा के फैंस उनसे बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। इसको लेकर रोहित ने अपनी ओर से खुले तौर पर ऐलान भी कर दिया है और इसके लिए रोहित ने एक ऐसा दिन चुना जब उन्हें 3 साल पहले एक रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली थी। रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में कुछ बेहद खास रिकॉर्ड्स हैं। इनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में 3 बार दोहरे शतक जड़ने का। रोहित ने पहली बार साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली डबल सेंचुरी लगाई थी। इसके अगले साल उन्होंने ये करिश्मा दोहराया। रोहित यहीं नहीं रुके, साल 2017 में एक बार फिर उन्होंने 200 का आंकड़ा पार कर डाला। ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। वनडे में ऐसी ही लंबी पारियों के लिए मशहूर हो चुके रोहित जब भी मैदान में होते हैं तो उनसे धमाकेदार बैटिंग की उम्मीद होती है। खासतौर पर वनडे में शतक जमाते ही फैंस की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब एक और दोहरा शतक आ ही जाए, वहीं दुनिया में कोई भी बल्लेबाज एक से ज्यादा बार ये काम नहीं कर पाया है, तो रोहित ने ये करिश्मा 3 बार दिखा दिया। रोहित ने खुले तौर पर इशारा कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं है, अभी उनके बल्ले से और दोहरे शतक निकलेंगे। वनडे में रोहित के तीसरे दोहरे शतक की तीसरी बरसी पर स्टार स्पोर्ट्स ने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर ट्वीट किया। रोहित ने इस पर जो जवाब दिया वो गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रोहित ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि अभी और आनी बाकी है, यानी कि अगले साल जब रोहित फिर वनडे में लौटेंगे तो गेंदबाजों की शामत आनी तय है। रोहित शर्मा ने 3 साल पहले चंडीगढ़ में श्रीलंका के खिलाफ ये रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली थी। वनडे क्रिकेट के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली की गैर हाजिरी में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए रोहित ने 208 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रोहित आखिर तक आउट नहीं हुए और सिर्फ 153 गेंदों में ही 208 रन जड़ डाले। इनमें से सिर्फ 25 गेंदों में 124 रन तो 12 छक्के और 13 चौकों की मदद से रोहित ने बटोर लिए थे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा अगला दोहरा शतक कब और कहां और किस टीम के खिलाफ लगाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।